नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा जिला के लोक जनशक्ति पार्टी के जिला प्रभारी बीएन सिंह और जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रभारी बीएन सिंह ने बताया कि पार्टी के मजबूती के लिए संगठन का अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा को बनाया गया है। दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के जिला प्रभारी इंजीनियर बीएन सिंह और जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला प्रभारी सिंह ने बताया कि पार्टी के मजबूती के लिए संगठन का अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा को बनाया गया है और इनसे पार्टी को बहुत ही उम्मीद है। जिला अध्यक्ष झा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार एक महीने में पार्टी का पूर्ण गठन कर प्रदेश कार्यालय में सूची जमा कर दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार फर्स्ट के लिए लोक जनशक्ति पार्टी अपने पार्टी में अच्छे और बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाएगा। कोरोना जांच रैपिड एंटीजोन के बदले आरटीपीसीआर से करवाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा का एक नंबर नाम रहेगा, हम वह चाहते हैं और आप लोग का आशा और विश्वास दिला कर जाते हैं। जो बोलते हैं वही करेंगे, जो हमसे नहीं होगा हम नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। हम काम पर विश्वास करते हैं, नाम पर विश्वास नहीं करते, शिलान्यास पर भी विश्वास नहीं करते, काम पर विश्वास। आज की जो बैठक आप लोगों की बुलाई गई है, क्या मुद्दा रखा है? बैठक यही बुलाई गई है, यही है बाढ़ कोरोना। अब हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष थे, नवनियुक्त हुए हैं, हम सबों भाई से मिलना है, सबका मान सम्मान दे करके पूरी कमेटी, पूर्व कमेटी को नए सिरे से प्रखंड से लेकर के जिला तक हम बनाएंगे। फिर नए सिरे से नई जोश नई क्रोश के साथ करेंगे और एक हफ्ता नहीं 15 दिन के अंदर 18 प्रखंड आपको और जिला के टोटल सूची को बना करके आप लोग को फिर बुलाएंगे, उसमें हम प्रेस करेंगे। साथ साथ हम अपने सूची को प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय की सूची करेंगे। वह यह जो टेस्ट है, यह सांत्वना देने का टेस्ट है, यह ओरिजिनल टेस्ट नहीं है। आप ओरिजिनल टेस्ट है आईसीएमआर जो है माने तत्काल लोगों को सांत्वना देते हैं, जांच हुआ लेकिन इससे पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव आता है तो फिर पॉजिटिव ही हो जाता है। लेकिन आरटीपीसीआर जो जांच है होनी चाहिए, वह हमारे बिहार में कम से कम 75,000 होना चाहिए, जो अभी 5,000 हो रहा है। शिक्षित की ओर जाना है और हरेक बूथ पर, दरभंगा जिला के हरेक बूथ पर कम से कम 4 जरूर आवास हम तैयार करेंगे। एक वन बूथ 4 को युक्त करेंगे तैयार, हर एक बूथ पर रहेगा और हमारा सभी कार्यकर्ता मान सम्मान के साथ आप लोग को भी सम्मान देकर चलते रहेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी का धंधा पूर्ण करेंगे। जय मिथिला जय। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।